आपको बता दें पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में मौसम का अंदाज बदल चुका है। सुबह के समय कोहरे की वजह से अंधेरा छाया रहता है। उत्तर पश्चिम विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी हुआ है। ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। बात करें यूपी की तो मौसम विभाग के अनुसार यहां आज से 2-3 दिनों तक तेज शीतलहर चलेगी। इसके साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ सकता है। आलम यह है कि प्रदेश के कुछ शहरों का तापमान 7 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में आए दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका प्रभाव सीधे आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहा जाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें लखनऊ समेत कई जिलों में 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से पूरी यूपी में ठंड बढ़ गई है। यूपी के झांसी, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और बरेली जिले में सबसे अधिक ठंड दर्ज की गई है। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास की उम्मीद है। इसी बीच आपको बता दें कि बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई है ठंड। पहाड़ों की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं ने आपको बता दें कल को राज्य में ठंडक बढ़ा दी। प्रदेश का सबसे ठंडा जिला झांसी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कल को भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के आपको बता दें कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। शीतलहर चलने से दिन में गलन बनी रहेगी। बता दें कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। तापमान भी 0 के कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें दिल्ली तो आपको बता दें वही दिल्ली राजधानी में अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। आपको बता दें कल को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आने वाले 4-5 दिनों में दिल्ली का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वही IMD ने उत्तराखंड में भी 2-3 दिनों तक शीतलहरों का येलो अलर्ट जारी किया है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आपको बता दें पश्चिमी हिमालय के आसपास पहुंचने के लिए तैयार है। ये सीजन का पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और प्रकृति में व्यापक होगा। ये आपको बता दें इस सिस्टम से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा और आपको बता दें 2-3 दिनों के आसपास इस विशेष प्रणाली का प्रभाव पहाड़ियों पर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बर्फबारी और बारिश होगी। इसके बाद आपको बता दें मैदानी इलाकों भी फैल जाएगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान आपको दादे मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। बारिश की ये गतिविधियां आपको दादे 2-3 दिनों तक बढ़ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको दादे कुछ हिस्सों में आपको दादे दिन में बारिश हो सकती है।